नायरा बहुत गरीब लड़की थी जिसे एक वक्त का खाना मिलना भी बहुत मुश्किल था। इसीलिए नायरा को जो भी मिलता वह उसे हंसी खुशी खा लेती, चाहे वो उबला हुआ खाना होता चाहे वो टेस्टी। ऐसे ही एक दिन नायरा मार्केट जाती है जहाँ दुकानदार से मोल भाव करते हुए बोलती है कि अरे भैया मैं हमेशा आपसे ही तो सामान लेकर जाती हूँ। दुकानदार बोलता है कि तो क्या तू मुझ पर कोई एहसान करती है, उधार लेना होता है तो तू लेकर जाती है। नायरा कहती है तो भैया मैं पिछला हिसाब झुका कर अगला उधार कर रही हूँ। इतना कहकर नायरा पीछे मुड़ती है कि इतने में एक बाइक तेज रफ्तार से आकर नायरा के सामने रुक जाती है। नायरा उसे देखकर एकदम चौंक जाती है और बाइक वाले को सुनाने लगती है और वहाँ से चली जाती है। नायरा घर पहुँचती है कि पीछे से वो बाइक वाला आदमी भी उसके घर पहुँच जाता है और उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। नायरा कहती है कि अब देख लिया, अब जाओ यहाँ से, और वो चला जाता है। अगले दिन फिर सब्जी मंडी में नायरा को वही आदमी मिलता है। नायरा उसे देखकर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि कैसे बदतमीज आदमी हो तुम, मेरा पीछा ही करे जा रहे हो। बाइक वाला लड़का कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। नायरा उसे बहुत सुनाती है पर वह दोनों एक दूसरे से ठीक से बात करने लगते हैं और बात करते करते वह वहाँ से चले जाते हैं। फिर ऐसे ही वह दोनों एक दूसरे को मिलने लगते हैं। कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तभी नायरा उस बाइक वाले लड़के से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी वह लड़का अपना नाम बताता है कि मेरा नाम कार्तिक है। फिर उसके बाद कार्तिक अपनी माँ स्वर्णा को बताता है कि माँ मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। स्वर्णा उसकी शादी के लिए मान जाती है और ऐसे ही एक दिन कार्तिक और नायरा की शादी हो जाती है। नायरा का अपनी ससुराल में पहला दिन होता है। नायरा की सास स्वर्णा नायना से कहती है कि बहू आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए आज तुम रसोई में कुछ अच्छा बनाना, मेरी बहन वर्षा और उनकी बहू गायत्री खाने पर आएंगी। नायरा खाना बनाने लगती है। उसके बाद सब लोग खाना खाने बैठते हैं तो खाना खाते समय कहते हैं कि नायरा तुमने कितना अच्छा खाना बनाया है, तुम तो बहुत अच्छा खाना बना लेती हो। स्वर्णा की बहन और उसकी बहू खाना खाकर अपने घर चली जाती हैं। आखिर में नायरा के साथ स्वर्णा खाना खाती है तो कहती है कि वाकई में बहू तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है पर थोड़ा सा नमक कम है, और वह खाने से उठ जाती है। भी नायरा कहती है कि माँ जी मैं सब्जी में नमक डाल देती हूँ, आप खाना तो खाइए। नायरा की सास कहती है कि नहीं बहू, बस अब मेरा हो गया, मेरा पेट भर गया है, और प्लेट का खाना डस्टबिन में डाल देती है। नायरा यह सब देखकर बहुत गुस्सा करती है। नायरा अपने पति कार्तिक से पूछकर घर में बचा सारा खाना गरीबों में बांट देती है और घर पर आती है तो उसकी सास स्वर्णा उसको देख लेती है और पूछती है कि बहू तुम कहाँ गई थी। तभी नायरा बताती है कि माँ जी मैं घर में बचा हुआ खाना गरीबों को खिलाने गई थी। जिसे सुनकर स्वर्णा बहुत खुश होती है और कहती है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मैं तो धन्य हो गई ऐसी बहू को पाकर। नायरा को गले लगा लेती है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी गरीबों को खाना खिलाने वाली बहू, आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ऐसी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।